नमस्कार दोस्तों, आज 16 मार्च 2024 दिन शनिवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट है। दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे ये जो है 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं श्रीकांत मिश्रा जी के पास आज की क्या कुछ रिपोर्ट है, और मंडी का माहौल तो आप देख ही रहे जी, सारी मंडी में रौनक है दोस्तों। आलू में रौनक, लहसुन में रौनक, टमाटर में रौनक है जी, पूरी फ्रूट में, सब्जी में, सारी चीज़ों में। सिर्फ एक प्याज मंडी में ऐसे लग रहा जैसे स्कूल की वो 42 दिन की छुट्टियां पड़ती है, वो वाला छुट्टी का माहौल हो रहा। चलिए जान लेंगे ऐसा आज का क्या बाजार चला। बहू जी नमस्कार जी। नमस्कार भाई। नमस्कार राणा साहब। बहू जी सिर्फ एक बैठो राणा साहब, बैठो, आज बैठ के इंटरव्यू करते हैं, बैठो। प्याज मंडी में ऐसे लग रहा अभी जैसे स्कूल की छुट्टियां चल रही हो बच्चों की। भाई साहब ये पूरा हफ्ता लगभग ऐसे ही निकल गया। अच्छा जी, कल थी थोड़ी सी चमक बस। नहीं कहाँ चमक थी भाई साहब, कल वो कहीं एक आधा जगह आपने देख लिया होगा, कहीं थोड़ा सा ठंडा मंडा किसी ने हाथ कल हल्का रख के काटा होगा। अच्छा जी, तो इसलिए वहाँ आपको रौनक दिखी। अच्छा जी, अब ऐसे ही समझ लो जैसे वो देखो गुजरात वाला लाट था ना, वो पीछे वो कल आपने देखा था ना, ये पड़ा हुआ था 212 गड्ढे का लाट था। हाँ जी हाँ जी, तो कल तक हम अटके हुए थे 750 रुपये चला रहे थे, नहीं चला, आज सवेरे सवेरे दिया, फिर 700 रुपये का दिया, दे दिया पूरा लाट दे दिया। अच्छा जी, ऐसे ही समझो अभी 10 मिनट पहले आए होते तो आपको यहाँ भी रौनक दिखती। अच्छा जी, तो वो लाटो दे दिया पूरा लाट। अच्छा जी, ऐसे किसी ने 10-20 रुपए हाथ हल्का रखे करके जिसने चलाया है तो वहाँ थोड़ा सा रौनक दिख रही, नहीं तो आप देखो बिल्कुल शांति सी है। एक प्याज में क्या चक्कर है, प्याज का छोड़ के बाकी सारी मंडी में हर जगह रौनक है। कारण यही है कि इस समय सब जगह लोकल थोड़ा बहुत लोकल हर जगह निकल आती है। अच्छा जी, उसका असर पड़ता है। ये हमेशा ये ऐसा नहीं है कि पहली बार है। अच्छा जी, ये लगभग ये समझो ये मार्च के महीने में अक्सर यही कंडीशन। कल भी कमेंट आ रहे थे भी सिर्फ पहली बार है अभी मार्च के महीने में इतना रेट मिल रहा नहीं, नहीं लोग दूसरी सालों का भूल जाते हैं। अच्छा जी, लोग दूसरी सालों का भूल जाते हैं। हाँ बल्कि मार्च में इस बार रेट बल्कि ठीक है, यही तो कह रहे जी, वो भी पहले कभी इतना रेट नहीं होता था। हाँ रेट ठीक है, लेकिन उसका कारण यही है ना कि रेट इसलिए ठीक नहीं होता था क्योंकि और हर बार मार्च में फसलें और ज्यादा होती थी। अच्छा जी, आप जैसे मार्च में MP भी निकल आती थी, इस बार अभी MP नहीं निकली है। हाँ जी, नासिक वगैरह में गावटी इस समय पूरी स्पीड में चल पड़ती थी, अभी वहाँ इतना प्रेशर नहीं है, 200-250-300 नगारा है, फिर भी रेट डाउन ही है। ठीक है जी, क्योंकि अभी उसमें क्वालिटी नहीं है, शुरुआत में भी जो आ रही है उतनी बढ़िया क्वालिटी भी नहीं है, वो भी एक रीजन है। तो इस समय थोड़ा सा लोकल हमेशा मार्च के महीने में थोड़ा सा लोकल निकल, अब से लेके समझो 15 अप्रैल तक थोड़ा सा ऐसे ही रोना पीटना रहता है। अच्छा जी, प्याज में थोड़ा सा क्योंकि लोकल प्याजें हर जगह थोड़ी बहुत निकल आती हैं। अच्छा, ये फिर जब तक समझ लो लोग स्टोर में ना जाने लग जाए। हाँ अभी क्या है कि अप्रैल आते आते क्या होगा कि पहली बात तो ये MP वगैरह भी निकल जाएगा और आपका नासिक वगैरह की भी क्वालिटी थोड़ा ठीक आ जाएगी। अच्छा, तो जो अच्छी क्वालिटी होंगी लोग स्टॉक में भी करना चालू कर देते हैं, या किसान जो निकलता है उधर हो जाता है, थोड़ा बहुत लोकल जो छुटपुट निकलने वाली लोकल है वो भी निपट लेती हैं तब तक। तो 15 अप्रैल के बाद फिर ग्राहकी थोड़ा ठीक होने लग जाती है, अब हमेशा मार्च में हमेशा थोड़ा सा ग्राहकी प्रेशर रहता है हमेशा ही। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, इस एक तो ये होता है ना कि इसमें क्वालिटी हल्की हुई, हल्के माल ज्यादा होते हैं अभी, जब जैसे पूना वगैरह आ रही है। हाँ जी, पूना वगैरह की अराइवल सबसे ज्यादा पूना की ही अराइवल है इस मंडी में, कंटिन्यू बराबर आ रही है, मतलब ये समझो आप 20-25 गाड़ी पड़ेगी आ रही है खाली पूना। अच्छा जी, लेकिन उसमें भी क्वालिटी वाली प्याजें खाली 20% ही आ रही हैं, 80% ऐसे हैं जो सिंगल पत्ती की हैं। ठीक है जी, तो क्वालिटी का भी असर रहता है। अभी इसमें क्वालिटी का मतलब आप ये समझो हर क्वालिटी की प्याज आपको मंडी मिल जाएगी, राजस्थान में मिल जाएगा, गुजरात की उपलेटा साइड की मिल जाएगी, ये गुजरात की उपलेटा साइड की है जी। इसका क्या बाजार चल रहा है आज का? ये भाई साहब ये 850 बिकी थी, आज 800 रुपये बेच रहा हूँ। अच्छा जी, और वो वाली वो राजस्थान है जी, कुचामन। हाँ ये बिक रहा है 600 रुपए से लेके 700 रुपए तक, कल 700 रुपए तक ऊपर बिके थे, लेकिन आज जो कल 700 बिके थे वही माल 650 रुपए बिक रहे हैं। अच्छा जी, कल ये 600 रुपए इसमें से बेचा था। ज्यादा है या कम है? नहीं जी, माल तो उतना ही है जी, खाली दो ही गाड़ी कल से फालतू है, कल 36 गाड़ी ताजी थी, आज 38 गाड़ी ताजी है। अच्छा जी, माल कोई ज्यादा नहीं है, माल वही नीचे ऊपर मिला के लगभग 100 गाड़ी के आसपास ही है। यानी जो थोड़ा सा कम करके बेचेगा उसका बिकेगा नहीं रखा। हाँ ग्राहक के भाव, ग्राहक आता है ग्राहक के भाव में बेच दो तो बेच लोगे, जरा सा टाइट करके अड़के बेचोगे पड़ा रह जाता है। अच्छा जी, क्योंकि ग्राहकी जोरदार नहीं, कल देखिए जो आप रौनक कर रहे थे ना, कल सारे दिन में 34 गाड़ी प्याज बिकी है, सिर्फ 34 गाड़ी मात्र सिर्फ। और हाँ, और आज भी जिस हिसाब से ग्राहकी है
ग्राहकी के हिसाब से तो वही 30-35 गाड़ी बिकनी है, लेकिन ये चूंकि शनिवार है लोग इधर उधर भी थोड़ा माल इधर उधर दाएं बाएं भी कर देते हैं तो 40-50 गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा उठ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात है कि पीछे भी जो पीछे मार्केट थोड़ा सा उस समय जिसमें ये एक्सपोर्ट का नोटिफिकेशन वाली बात निकली थी उस समय थोड़ा सा 2-4 रुपये जो मार्केट टाइट हुई थी, अब वो सब खिसक के आ गई अपनी जगह पे आ गई। अब पीछे भी सब जगह मार्केट है, समझो आज नासिक वगैरह की मार्केट है वही 13 रुपये से लेके 15-15.5 रुपये की हो गई हैं। ठीक है जी। तो पीछे भी मार्केटें टूटी हैं। बस यानी ये तो ये लगा लो भी सारे ऐसे ही बैठे सब गए, खाते बैग कापियाँ किताबें ऐसे भी छुट्टी का माहौल है जी कोई। भाई साहब मैं बता तो रहा हूँ कि सवेरे से अभी तक कुल 225 कट्टा प्याज बिकी है। अच्छा जी। कुल 225 कट्टा प्याज बिकी है। अच्छा जी। वो भी बंदे बंदे ग्राहक हैं वो आए वो लेके गए। अच्छा जी। बाकी आप देख रहे हो ऐसे परचूने ग्राहक तो नजर ही बहुत कम आ रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही कारण है। अच्छा, फिर इधर थोड़ा सा क्या है कि जैसे रमजान चल रहा है, रमजान में फ्रूट वगैरह की खपत बढ़ जाती है, बल्कि रहती तो प्याज की भी, वो प्याज भी खाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन फ्रूट वगैरह की खपत ज्यादा बढ़ जाती है ना। ठीक है जी। अच्छा, अब इस समय क्या है कि जैसे अभी स्कूल के बच्चों के रिजल्ट वगैरह निकल गए हैं, थोड़ी छुट्टियाँ उट्टी बच्चों की भी पड़ रही हैं, तो लोग घूमने घामने भी चले जाते हैं। ठीक है जी। तो उन चीजों मतलब कई कई फैक्टर है जिनका असर पड़ता है, इसमें थोड़ा सा अक्सर मार्च में बिक्री कभी रहती है जब तेजी होती है, फिर ये पत्तियां भी खा नीचे लोग। अच्छा, फिर पीछे क्या होता है जी, पीछे जब 50 पैसे भी ढीला होता है ना तो ग्राहकी अपने आप आगे सब जगह ठंडी हो जाती है। अच्छा जी। तो एक तो वैसे बिक्री कम है, ऊपर से जो रुपए उठाने की पीछे से मंदी की रिपोर्ट आ जाती है तो ग्राहकी और ठंडी हो जाती है, ये कारण है। अब आप देखो कल राजस्थान वगैरह भी बराबर बिक रहा था, आज राजस्थान की भी ग्राहक की कमाई आप देखो नजर नहीं आ रहे हैं ग्राहक कोई खास। ठीक है जी। जबकि शनिवार का दिन है, कल तो छुट्टी है। आज कल तो फिर भी ग्राहकी पे उतना असर नहीं है, ग्राहक की कोई खास नहीं है। बनी प्याज की तो स्कूल की छुट्टियां पड़ गई, प्याज के स्कूल की छुट्टियां। हाँ, प्याज की स्कूल की छुट्टियां पड़ गई, ऐसे ही माहौल बना हुआ है जी। तो मतलब कुल मिला के मार्केट वही की असल तो जो है ना, जैसे सरकार ने वो बैन करवाया था जी, इसके बाद ही पता चलेगा जी 31 मार्च के बाद ये एक्सपोर्ट खुलेगा नहीं खुलेगा। देखो जी, एक्सपोर्ट का तो जैसे आज इलेक्शन की अनाउंसमेंट होने वाली है। हाँ जी। अभी तक तो कोई नया नोटिफिकेशन आया नहीं है। अच्छा जी। तो अगर नया नोटिफिकेशन नहीं आया, मान लो 3 बजे इलेक्शन डिक्लेयर होना है, तो 3 बजे तक अगर कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया तो समझो एक तरह से 1 अप्रैल से एक्सपोर्ट तो खुल जाएगा से। अच्छा जी। हाँ, चलिए देखते हैं जी क्या। क्योंकि अगर नया आज अगर 3 बजे से पहले कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया, हाँ जी, तो एक तरह से समझो 1 अप्रैल से फिर खुली जाएगा, क्योंकि 31 मार्च तक ही वो जो एक्सपोर्ट बंद होने का नोटिफिकेशन था वो 31 मार्च तक का था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो नया मतलब नया नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा तो जिस पोजीशन में बंद हुआ है उसी पोजीशन में तो चालू होगा ना। चलिए जी, देखते हैं जी कैसा रहेगा जी, तो इसका कैसा बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। चलिए, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर? हाँ जी, आरजी ट्रेडर्स, दुकान नंबर 991, सब्जी मंडी आजादपुर, फोन नंबर 3738 और मोबाइल नंबर है 9810-15739। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। प्याज निकली हुई है, सुख सागर वगैरह की प्याज निकली हुई है ना बंगाल की। हाँ जी। तो वो प्याजे यूपी में आप समझिए, यहाँ कानपुर लखनऊ वहाँ तक कल यहाँ भी 2 गाड़ी 3 दिन से थी, यहाँ तक खैर ज्यादा नहीं बिक पा रही है। अच्छा जी। लेकिन हमने अभी जो अयोध्या में मंडी में फैजाबाद मंडी में काम चालू किया ना पारासुरन कंपनी के नाम से, कल हमारे कौन सी है फैजाबाद में खास? हाँ, फैजाबाद में, फैजाबाद मंडी में। हाँ अच्छा जी, फैजाबाद ही अपना उसका अयोध्या हो गया जी। हाँ जी। तो फैजाबाद मंडी में हमारी वो दुकान है पारासुरन कंपनी के नाम से, वो हमारा छोटा भाई हमारा बड़ा लड़का बैठता है, पारस ओनियन कंपनी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी। और फोन नंबर क्या जी वहाँ? दुकान नंबर 19। हाँ जी, जी। अच्छा जी। अच्छा, तो अभी खाली प्याज का ही काम करा जी वहाँ? हाँ जी, आलू और प्याज दोनों, आलू का और प्याज का। प्याज का तो अभी देखिए, जैसे सुख सागर यहाँ 3 दिन से सुख सागर की 2 गाड़ी आई थी, 3 दिन से पड़ी हुई, अभी तक नहीं बिकी। हाँ जी। वहाँ कल गाड़ी हमारे यहाँ कल सुख सागर की गाड़ी लगी थी, कल 17-18 रुपये पूरी गाड़ी एक ही दिन में खाली हो गई। अच्छा जी। तो इसका भी असर है कि अभी आपकी मंडी दिल्ली में भी हो गई, वंचूर में तो थी। हाँ, और अब अयोध्या में भी हो। हाँ जी हाँ जी। वाह जी वाह, बधाई है जी फिर आपको, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद जी।